हमारा कुछ नहीं ले रहा था, यदि कुछ हमारा एरिया अंडर कर रहा है, क्वेश्चन क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन मल्टीप्लाइड बाय कोड एक्स स्क्वायर एंड वाई कोड कोड एक्स है, तो सॉल्यूशन लेने के बाद सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना काफ़ी जरूरी है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो क्वेश्चन हमें काफ़ी ईजी हो जाएगा, विदाउट ग्राफ तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सामने होगा तो इसका ग्राफ हमें पहले वाई क्या है एक स्क्वायर है और वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स है तो यहाँ से वाई जो वाई एक्स कब होगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, माइनस एक्स कब होगा जब एक्स लेस देन जीरो होगा, ठीक। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको पता है कि अगर वाई है और एक्स के स्क्वायर फॉर्म में है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वाई एक्स से बनेगा और देखिए कोई चीज पास करें क्योंकि एक्स क्यूब जीरो होगा तो वाई जीरो होगा, वाई जीरो होगा तो एक्स जीरो होगा, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल एक्स ग्राफ कैसे बनता है, वाई इक्वल एक्स ग्राफ कैसे बनता है, वाई इक्वल एक्स का वाई इक्वल एक्स के बनता है
तो देखिए इसमें हमारा अपर ग्राफ क्या है, उसका हो गया क्या है, किसका ग्राफ था हमारा, ये वाला लाइन ये हमारा वाई प्रोजेक्ट्स का ग्राफ था, और ये नीचे वाला किसका है, नीचे वाला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो हमें पता है जब पीडीएफ बाउंड्री ब्रेक कर्व निकालते हैं आप लोग, ऊपर वाले कर्व का इंटीग्रेशन करते हैं और फिर नीचे वाले का इंटीग्रेशन से हटा देते हैं आप लोग, तो इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो हमारा एरिया जो बाउंड्री आएगा, अभी बस हम केवल एक बार का निकालते हैं, बस इसको सब बोल देते हैं A1, ठीक है, और ये A1 है, इसको A2 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं A2। और पता है कि सिमेट्री के हिसाब से A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा, तो अगर A1 निकाल देते हैं तो टोटल जो एरिया हमारा होगा, तो टोटल एरिया इसके बराबर हो जाएगा y = x^2 dx। तो this is how the upper y x bar and dx could be about that x bar n by n plus 1 where n not equal to minus 1। तो उसका डिफरेंस कर देते हैं x square by 2 x cube by 3 ठीक तो लिमिट कहाँ से 0 टू 1 से ठीक है। और लिमिट बुक कर देते क्या है 1/2 माइनस 1/3 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ए वन कितना हो जाएगा हमारा एल सी एम में कितना 2 × 3 = 6 3 − 2 तो हमारा ए वन कितना जाएगा 1 − 1/6। तो ये बस हमारा इसका है ए वन का, तो हमने टोटल एरिया क्या बन हुआ था कि 2 A1 हुआ है, तो टोटल एरिया टू 2 × 1/6 मतलब 3 × 6 2 × 2 = 6 1/3 square यूनिट्स टोटल एरिया हो जाएगा। तो आप सभी देख रहे हैं तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो 1/3 square हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ में आया होगा।